नमस्ते दोस्तों, कैम छो मजामा। मैं संजय लुटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, ये पौधे को आप पहचानते होंगे। ये मरवा का प्लांट है, हमारे यहाँ गुजरात में अहमदाबाद इसको डमरा बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, एक आयुर्वेदिक प्लांट है और साथ में इसकी पत्तियों की खुशबू भी बहुत ही अच्छी रहती है। शिव जी की पूजा करते हैं तो इसके फूल जो आते हैं, इसकी पत्तियाँ वो चढ़ाते हैं वहाँ पे। और भी काफ़ी सारी इसकी वैल्यू है, इस प्लांट लगाने की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं सब बात आपको बताऊँगा इस वीडियो में, इस प्लांट को लगाने का तरीका, इसकी देखभाल, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तो आपको इस प्लांट को क्यों अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, वो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ तो ये प्लांट में इसके सीड लेके आया था और मैंने ग्रो किया था एक बार अपने गार्डन में, तब से ये मेरे गार्डन से जा नहीं रहा। काफ़ी सारे इसमें क्या होता है कि जो ये प्लांट हमारा होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो सूखता है, पर इसके अंदर जो सीड बनते हैं, ये देखिए इस तरह के सीड होते हैं, ये सीड बनते हैं, वो सीड गिरते रहते हैं गमलों में और नए नए पौधे निकलते रहते हैं। तो कहीं भी आपको ये प्लांट दिखे तो इसके सीड पॉट इस तरह से बनते हैं, जैसे तुलसी जी के सीड पॉट बनते हैं ना तुलसी के पौधे पर, वैसे ही। तो लाके जरूर अपने गार्डन में इसको लगा दीजिएगा। तो मैं इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस प्लांट को आप लगा रहे हो तो इसको कैसे मिट्टी में लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए ताकि आपके पास प्लांट अच्छे से अच्छे ग्रो करे। ये देखिए गर्मी का टाइम है, समर टाइम है, इतनी गर्मी पड़ रही है पर फिर भी देख सकते हो आप इतना हेल्दी और हरा भरा है। तो ये मिट्टी का जो मटका आता है, हमारा पुराना मटका था टूटा हुआ है, उसमें लगाया हुआ है, अपने सीड से ही ग्रो हुआ था। तो आप देखिए कितने अच्छे से ग्रीन और हरा भरा है। तो सबसे पहले इसकी जो मिट्टी है उसकी मिट्टी में आप 60% गार्डन सॉइल लीजिए, इसमें 10% रिवर्स सैंड मिलाइए, 20% फर्टिलाइज़र गोबर की खाद मिला दीजिए और 10% जितने राइस चावल के छिलके आते हैं वो मिलाइए। तो इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार कीजिए। तो क्या है कि आपके जो पौधे की मिट्टी है अच्छी सी वेलरेंट मिट्टी तैयार हो जाएगी। ये पौधा वैसे जल्दी मरता नहीं है, ये कब मरता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, काफ़ी लेगी लेगी सा हो जाता है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। बाकी पानी की वजह से ऐसे वो ये प्लांट जल्दी ख़राब होता नहीं है, तो इसीलिए इसमें आपको पानी का ध्यान इतना होता है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर गर्मी में बना के रखोगे तो क्या होगा कि आपका पौधा है वो अच्छा सर्वाइव करेगा। एक प्लांट यहाँ देखिए ग्रो बैग में मैंने शिफ्ट किया है, पहले जो लगा हुआ था वो ग्रो बैग फट गई। देखिए ये लगभग 2 साल पुराना प्लांट है, ऊपर से पूरा सूख गया है, आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए पर नीचे से देखिए। तो आपका प्लांट ऐसे सूख गया है तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ पार्ट है उसको कट करके हटा देना है। देखिए जो सूखा हुआ पार्ट हो उसको इस तरह से ब्रांच कट करके हटा दीजिए। तो क्या है कि जो ये देखिए ये इसके सीड पॉट रहते हैं उसको कोई भी गमले में ऐसे डाल दीजिए, तो ये सड़के क्या है कि खाद भी बन जाएगी और इसके जो बीज है उसमें ग्रो भी हो जाएंगे। तो ये काम मैं इसी तरह इसको ग्रो करता रहता हूँ। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात करता हूँ कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में। तो एक मेडिसिनल प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, जैसे कि कान में दर्द होता है तो हमारे यहाँ इसका जो ये प्लांट है, इसकी पत्तियाँ है, उसका जो रस निकलता है, शेप निकलता है, उसको रस को क्या करते कान में इसकी 2-3 बूंदें डाल देते जब कान में दर्द रहता है, तो बहुत ही जल्दी राहत मिलती है, आराम मिलता है। तो एक आयुर्वेदिक प्लांट है इसीलिए अपने गार्डन में इसको ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसकी केयर टिप्स भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि इस प्लांट को लगाओगे आप तो इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी तभी ये प्लांट आपके वहाँ सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने सीड से ग्रो किया हो या बीज से लगा हुआ प्लांट हो, कहीं भी मतलब छोटा सा बेबी प्लांट हो, वो आप गार्डन में ला के लगा रहे हो तो लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती।
फर्टिलाइज़र आप महीने डेढ़ दो महीने में एक बार डालोगे तो भी चलेगा, पर इसको क्या पानी चाहिए। फर्टिलाइज़र आप नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, पर पानी का ध्यान रखना है। तो इसीलिए बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, तो एक बार अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब देखते होंगे आप जहाँ मतलब शिव जी के मंदिर में जाते होंगे, वहाँ पे जो उनके ऊपर जो फूल चढ़ाते हैं, साथ में ये मरवा का भी पौधा देखा होगा आपने, इसके भी जो फूल आते हैं वो, तो ये भी चढ़ाते हैं इनके ऊपर। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप एक बार इसको हाथ लगाओगे इसकी पत्तियों को, तो आपके हाथ से इसकी खुशबू नहीं जाएगी। अगर आप अपने गार्डन में लगाते हो इस पौधे को और इस पौधे की पत्तियों पे हाथ आपका घुमाओगे या फिर पानी डालोगे पत्तियों पे, तो पूरे आपके गार्डन में इसकी बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी आपके गार्डन में, और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में आपको एक बार ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए छोटा सा प्लांट है पर कितना हेल्दी और हरा भरा है। मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट थे, मैं इसमें दो वैरायटी के आते हैं, देखिए ये है ये वो अलग है, और जो आपको ये दिख रही है इसमें जो अलग अलग आते हैं वो कैसे पता चलेगा, इसके सीड पॉट से। देखिए ये सीड पॉट है, उससे एक में इस तरह से सीड पॉट बनते हैं, और एक जो वैरायटी आती है वो पूरी घनी होती है, मतलब कि पूरा एक छोटा सा पेड़ होता है उस तरीके से वो आकार ले लेती है। उसमें जो सीड पॉट बनते हैं वो पूरे बंचिस में ऐसे गुच्छे में आता है, जैसे कोई बड़ा सा मतलब गेंदे का फूल नहीं आता उस तरीके से। और इसमें देखिए सीधी सीधी ऐसे एक ब्रांच जाती है, तो इस तरीके से फ्लावर होते हैं इसमें। तो दोनों वैरायटी में इतना फ़र्क है। जो दूसरी वाली वैरायटी है जिसमें गेंदे की तरह होता है, उसके भी सीड में लेके आया हूँ, अभी बरसात में ग्रो करूँ। इसका सीड आप ग्रो करना चाहते हो तो अभी जैसे मतलब बरसात का भी जगह पे स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे गिर रही है, तो अभी इस टाइम इसके कहीं भी प्लांट आपको दिखे तो इसके सीड लेके आप ग्रो कर दीजिए, किसी भी गमले में डाल दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है अलग से मिट्टी बनाएंगे, ऐसे कोई भी गमला हो जिसमें देखिए मिट्टी ऐसे पड़ी, तो इस गमले में डाल दीजिए, कोई भी मिट्टी में आप डाल दीजिए तो इसके सीड है वो ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए अलग से मिट्टी बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया ना, उस तरीके से आप इस प्लांट को लगाओगे, सीड ग्रो करोगे, तो आपके पास अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाएगा। और इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि आपको एक बार लगाने के बाद इसकी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं, बस इसमें वाटरिंग का खास ध्यान रखें। सनलाइट की बात करूँ तो ये जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पूरे दिन की धूप लगती है, पूरे दिन की धूप में ये लगा हुआ प्लांट है, पर फिर भी देख सकते हो कितना हेल्दी है। तो इसीलिए अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए, एक मेडिसिनल प्लांट है, तो एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि ये फिर सालों साल आपके वहाँ बना रहेगा, इसके सीड गिरेंगे और नए नए प्लांट निकल के आते, जैसे तुलसी जी का पौधा निकलता रहता है उसी तरह इसके भी नए नए प्लांट निकलते रहते हैं। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और देखिए ये इसकी मिट्टी भी देख सकते हो आप, मैं पानी रोज डालता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आपको दिखेगा, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है क्योंकि छोटा सा मटका है और इसमें से पूरा टूटा हुआ तो पानी पूरा निकल जाता है, और फुल धूप में है, पूरे दिन की धूप यहाँ लगती है, पर फिर भी आप देख सकते हो कितना हरा भरा है। तो इसके बारे में और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।